नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मूवीज़ के लिए वायरल कीवर्ड कैसे ढूंढें, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उन लो कंपटीशन कीवर्ड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूवीज़ कीवर्ड्स पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है और इन्हें रैंक कराना भी बहुत आसान होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ वायरल कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किए जाते हों। तो चलिए देख लेते हैं उन कीवर्ड्स को। उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। दोस्तों, मूवी कीवर्ड्स में पहला कीवर्ड जो है वो है 9X मूवीज। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मूवीज को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और इन कीवर्ड्स का जो CPC है वो भी ठीक रहता है। इसके अलावा इनका कंपटीशन बहुत लो रहता है, तो अगर इन पे आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो इन्हें रैंक कराना बहुत आसान होता है। हाँ, आर्टिकल लिखते समय कुछ आपको सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। आपको आर्टिकल कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि उसमें कहीं से ये ना लगे कि आप इन मूवीज कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, इन पायरेटेड वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, अवेयर करते हुए आर्टिकल लिखते हैं मूवीज़ कीवर्ड्स पर, तो आपका कीवर्ड रैंक भी होगा और आपको गूगल की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका विशेष ध्यान रखें आर्टिकल लिखते समय कि आपको कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं करना है कि जिससे लगे कि आप कोई मूवीज़ को डाउनलोड करा रहे हैं पायरेटेड, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 9X मूवीज़ एक कीवर्ड है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इंडिया में इसका 2.7 मिलियन सर्चेज है। इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी ठीक ठाक इसे सर्च किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके जो यहाँ आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिख रही होगी वो थोड़ा ज़्यादा है, बट हम कीवर्ड डिफिकल्टी कम है उन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका CPC भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर किसी कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा आता है और कीवर्ड डिफिकल्टी ठीक है, लेकिन अगर CPC भी कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो तब भी वो गूगल के जो एड्स होंगे उन वहाँ से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ठाक पैसा मिलता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनके बहुत अच्छे सर्चेस हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यू ब्लॉगर हैं, तो आप उन कीवर्ड्स पर काम करें जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम हो। तो चलिए फिल्टर कर लेते हैं 10 कीवर्ड डिफिकल्टीज कम के कीवर्ड्स को, और यहाँ आप देखेंगे कि वो सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम है। नेट प्रॉब्लम है क्या? हाँ, देखिए, तो ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ गए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम है। आप देख पा रहे हो 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 7, 1, और बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने हैं। करीबन 1607 आपके सामने ये कीवर्ड्स आ गए हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम नेट में आ रही है या साइट में, इसमें सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो देखिए, तो फ्रेंड्स, आप इन कीवर्ड्स पर काम करके अपने ट्रैफिक अच्छा अपनी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक ला सकते हैं। आप देख पा रहे हो उनकी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम 179K 9X मूवीज विन का है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कितना अच्छा यहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम है। तो इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए आप सावधानी पूर्वक अगर आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा और आपको वहाँ से अच्छी कमाई भी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इसके अलावा कीवर्ड्स की डिफिकल्टी बहुत ही कम है, ना के समान है। तो इन कीवर्ड्स को टारगेट करके आप काम कर सकते हैं। अब जो दूसरा कीवर्ड है
वो है फ्रेंड्स तमिल रॉकर्स। तमिल रॉकर्स एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। इस कीवर्ड्स को भी देख पा रहे होंगे, इंडिया में 2.1 मिलियन लोग सर्च करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी सर्च होता है, मलेशिया में सर्च होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी सर्च होता है। तो देखा जाए कि बहुत सारी कंट्रीज में इस कीवर्ड्स को टारगेट किया, मतलब सर्च किया जाता है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे सीपीसी भी ठीक है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि सीपीसी कम भी हो लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो तब भी बहुत अच्छे आपको अर्निंग हो जाएगी। अब चलिए व्यू वॉल पे देखते हैं इन कीवर्ड्स को और वहाँ देखते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। आज कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से थोड़ा स्लो वर्क कर रही है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपके सामने आए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम है, उन पर भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद में मैं थोड़ा फिल्टर कर देता हूँ 10 से कम कीवर्ड डिफिकल्टी को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है फिल्टर होने में। तो हाँ देख पा रहे होंगे आप, तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ गए हैं जिनको टारगेट करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, तो इन पर अगर आप थोड़ा भी काम करते हैं बैकएंड में तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स दोस्तों आप देखते होंगे कि इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए काम कर रही हैं और मिलियंस में ट्रैफिक पा रही हैं। अब जो तीसरा कीवर्ड्स है वो मैंने सेलेक्ट किया है, MP4 मूवीज कीवर्ड है ये, और इसका आप देख पा रहे होंगे कि 2.2 मिलियन करीब इसका ट्रैफिक वॉल्यूम है और इसका CPC भी ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है। देख लेते हैं सभी कीवर्ड्स को। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं और रेगुलर वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए एक टूल जरूर होना चाहिए, चाहे वो RF हो या फिर सेमरस हो। इन कीवर्ड्स का यूज़ करके, इन टूल का यूज़ करके आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है उतना पैसा और आप नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप मेरे इस YouTube चैनल को फॉलो करो। यहाँ मैं बहुत ही लो कंपटीशन कीबर्ड्स को आपके सामने लाता रहता हूँ, बताते रहता हूँ उनके बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसका ऑलरेडी बहुत कम कीवर्ड डिफिकल्टी है। देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए आप, इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है बहुत कम है, 5 है, और यहाँ CPC भी आपको अच्छा मिल रहा है, और देखिए 172K लोग से सर्च करते हैं मंथली। तो ये बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप इन कीवर्ड्स को नोट करके इन कीवर्ड्स पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं इनको टारगेट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके बहुत जल्दी कीवर्ड्स रैंक हों। इसके अलावा दूसरा जो चौथा कीवर्ड्स है वो मैं लाया हूँ स्काई मूवीज HD करके, एक ही कीवर्ड है, और इसकी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी डिफिकल्टी कितना कम है, बहुत कम डिफिकल्टी है। इसके अलावा सर्चेस की बहुत ज़्यादा हैं, 3 मिलियन के एवब सर्चेस हैं। अब यहाँ आपको CPC भले ही कम है लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो CPC अगर कम भी हो तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो एड्स आएंगे वो गूगल्स के ही एडसेंस के ही एड्स आएंगे, तो आपको वहाँ से रनिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा कीवर्ड है ये, इस पर आप काम कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी ना के समान है। देख पा रहे होंगे आप कि इस पर बहुत कम काम किया गया है और यहाँ आप काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूँगा कि आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए आर्टिकल लिखें, लेकिन आर्टिकल लिखते समय कुछ सावधानियाँ जरूर बरतें। आप आर्टिकल में कुछ ऐसा ना लिखें जिससे कि ऐसा लगे कि आप पायरेटेड मूवीज़ वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं या फिर आप डाउनलोड करने के लिए वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको सावधानी बरतते हुए इन आर्टिकल को लिखना है, और लिखेंगे जब आप रेगुलर काम करेंगे इस पे तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा। जब ट्रैफिक अच्छा आएगा तो आपको अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स
आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।